राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब जीत तो हासिल बीजेपी ने कर ली, और बीजेपी ने जब अपनी कैंपेन शुरू की थी तो किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को रिवील नहीं किया था, किसी के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं किए थे, और ना ही चुनाव के दौरान किसी के तरफ इशारा किया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और उसी और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने जीत भी हासिल की है। लेकिन अब बीजेपी ने इतना बड़ा एग्जाम तो पास कर लिया चुनाव में जीत हासिल करने का, लेकिन अब जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है वो ये है कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर लड़ाई नहीं देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान में जो है वो हालात कुछ अलग है। राजस्थान में कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। वह ऐसे में आपको बता दें कि सबसे पहले जो चार नाम सुर्खियों में बने हुए हैं वो ये हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है बीते कई समय से। बाबा बालकनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से तुलना भी किया जा रहा है, और युवाओं का जो समर्थन है वो बाबा बालकनाथ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ बाबा बालकनाथ जो है वो ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब बाबा बालकनाथ को एक तरफ युवाओं का साथ मिलता नज़र आ रहा है, इस वजह से जो राजस्थान में समीकरण है वो दो तरफा नज़र आ रहे हैं, और जहां एक तरफ बाबा बालकनाथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो इसी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जब से राजस्थान में बीजेपी को जीत हासिल हुई उसके बाद से ही वसुंधरा राजे जो है वो अपने विधायकों से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है, विधायकों का समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। 60 विधायक वसुंधरा राजे के समर्थन में नज़र आ रहे हैं, और मीडिया से भी वो सभी विधायकों ने खुले आम गुजारिश कर दी है कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे इससे पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और एक बार फिर से वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। इसी वजह से जो राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो कई नाम खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ दिया कुमारी भी हैं। दिया कुमारी उन्होंने भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ाया, और साथ ही साथ बाबा बालकनाथ ने भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और आपको बता दें कि इन सभी नामों में संशय अभी भी जारी है, और बस इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार राजस्थान में कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे कोई नाम और रुझान निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, किसी भी नेताओं में ऐसी टकरार देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो सिचुएशन है बीजेपी के लिए कठिनाइयों भरा है वो है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में जो दावेदार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सभी दावेदार की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, और सभी दावेदार को एक अपना ही समर्थन मिल रहा है, और इस मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज़्यादा जो नाम उजागर होकर निकल रहे हैं वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे दिल्ली का दौरा भी कर चुकी हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करने की मांग भी कर दी है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जेपी नड्डा जी मेरे लिए थोड़ा समय निकालिए, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है। अभी मुलाकात किस लिए होने वाली है, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली है, और इसके पीछे कारण क्या है, ये मुलाकात के बाद सामने आएगा। लेकिन अभी जो राजस्थान में स्थिति है उसके हिसाब से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदार में मेन दो चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं, हालांकि नाम तो कई सारे आए हैं लेकिन मेन दो जो चेहरे हैं वो है वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ। अब वैसे में आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।